हेलो एंड वेलकम, मैं हूं अभिलाषा पाठक और हाजिर हूं एक बार फिर से लेके आपका फेवरेट शो रूबरू। हमारे शो में हम हमेशा आपकी मुलाकात ऐसी ही शख्सियतों से कराते हैं जिससे आप ढेर सारे इंस्पिरेशन ले सके। और आज जिस वुमेन एंटरप्रेन्योर से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, वो ना सिर्फ पेशे से डॉक्टर हैं बल्कि बहुत ही कम समय में उनके हॉस्पिटल सनराइज हॉस्पिटल ने काफ़ी नाम कमा लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर निकिता त्रेहान की। सनराइज हॉस्पिटल जो लोगों के लिए आशा की किरण साबित हुआ है। कहते हैं यहाँ इलाज कराने से जिंदगी रोशन हो जाती है। सनराइज हॉस्पिटल में मरीज आते तो हैं अपनी ढेरों बीमारियों के साथ, लेकिन यहाँ के ट्रीटमेंट के बाद एक नई सुबह उनका स्वागत करती है। इस हॉस्पिटल की ये विशेषता है कि कई तरह की तकनीकी के साथ यहाँ सर्जरी की जाती है, जैसे लेप्रोस्कोपी, थोरेकोस्कोपी, आर्थोस्कोपी और साइस्ट्रोस्कोपी। अनुभवी और एक्सपर्ट डॉक्टरों की देखरेख और मशवरे से मरीज को एक नई जिंदगी मिलती है। पूरे एशिया में सनराइज हॉस्पिटल की मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी नंबर वन पर है। लैप्रोस्कोपिक और एंडोस्कोपी सर्जरी के क्षेत्र में ये हॉस्पिटल विश्वविख्यात है। भारत से लेकर दूसरे देशों के मरीजों के लिए ये हॉस्पिटल एंडोस्कोपी सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करता है। सनराइज हॉस्पिटल हर्निया सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में सम्मान प्राप्त कर चुका है। देश विदेश में सर्जरी के क्षेत्र में इसने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। पूरे एशिया के मेडिकल एक्सपर्ट जो सर्जरी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित अनुभवी और क्वालिफाइड हैं, साथ ही यहां ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट और सर्जन हैं जो वर्ल्ड वाइड ट्रेंड हैं। 2000 से ज्यादा बेड वाले इस हॉस्पिटल में 350 स्पेशलिस्ट और 2500 स्टाफ हैं जो मरीजों की सेवा में 24 घंटे तत्पर रहते हैं। सनराइज हॉस्पिटल अपने आप में अकेला ऐसा हॉस्पिटल है जहां हर साल 10,000 से भी ज्यादा मरीजों की दूरबीन तकनीक से सर्जरी की जाती है। सनराइज हॉस्पिटल की दिल्ली के अलावा कोचिन पलावराटोम, चंगारामकुलम, कन्हानगढ़, एलिप्पे सोलापुर और दुबई में भी ब्रांचेज हैं। सनराइज हॉस्पिटल के हर ब्रांच में इंटरनेशनल लेवल के लेटेस्ट मशीनें हैं जिनसे मरीजों का बेहतरीन से बेहतरीन इलाज किया जाता है। सनराइज हॉस्पिटल के डायग्नोस्टिक सेंटर एक दिल्ली में और दो मुंबई में स्थित हैं। सनराइज हॉस्पिटल में बच्चे की डिलीवरी कराने के साथ साथ गायने से संबंधित सभी तरह की सर्जरी की जाती है। ये डिपार्टमेंट डॉक्टर निकिता त्रेहान की देखरेख में काम करता है। महिलाओं की डिलीवरी से संबंधित सभी जानकारियां गुप्त रखी जाती हैं। ट्रेंड मिडवाइफ्स को ही नियुक्त किया जाता है जो पेशेंट को एनकरेज करने के साथ साथ सपोर्ट करे। सभी लेबर रूम में एनएसटी मशीन और मॉनिटर लगे हुए हैं ताकि पेट में पल रहे बच्चे की जानकारी मिलती रहे। सीरियस पेशेंट को इमरजेंसी में एक मिनट के भीतर सिजेरियन यूनिट के साथ शिफ्ट किया जाता है। इसके अलावा गायने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जनरल मिनिमल इन्वेसिव और बैरियाट्रिक सर्जरी, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी भी की जाती है। साथ ही पेडियाट्रिक एंड नैनोटोलॉजी का इलाज किया जाता है और ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन भी दी जाती है। यूरोलॉजी और डेंटल केयर की भी सुविधाएं यहां उपलब्ध है। सनराइज हॉस्पिटल को सर्जरी के क्षेत्र में विश्वविख्यात बनाने के पीछे एक ऐसी सोच है जो निरंतर काम कर रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सनराइज हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर निकिता त्रेहान की। डॉक्टर निकिता को ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी और लेप्रोस्कोपी सर्जरी में महारत हासिल है। उनका एकमात्र लक्ष्य है देश की हर महिला को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग कराना और उनमें जागरूकता फैलाना। हाय डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो रूबरू। डॉक्टर, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक ऑपरेशन किया है, क्या ऑपरेशन किया है आपने, क्या केस है वो? अभी द लास्ट केस व्हिच आई ऑपरेटेड ऑन वाज टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी, मतलब बच्चेदानी जो है उसको दूरबीन द्वारा निकाला गया। ये केस में बहुत सारी रसौलियाँ थी इस लेडी के, बहुत सारे फाइब्रॉइड्स थे। तो इस लेडी का अभी हमने एक 20 वीक्स साइज यूट्रस, 20 वीक्स मीन्स कि नियरली 5 महीने का बच्चा जितना होता है उतना बड़ा रसौली, मतलब नियरली 1 किलो का यूट्रस निकाला है दूरबीन से, नो प्रॉब्लम। और कल पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर भी चली जाएगी। जी, अभी तक आपने कितने ऑपरेशंस किए हैं और सबसे चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग केस कौन सा था?
अभी तक मैंने कुछ 7,500 ऑपरेशंस कर लिए हैं दूरबीन से, एंड सबसे चैलेंजिंग आई वुड से हैज़ बीन द वन जो अभी गिनीज बुक के लिए अप्लाई फॉर है, एंटर हो रहा है गिनीज बुक में. इसमें 3.9 केजी की रसौली निकाली गई है महिला में. महिलाओं से जुड़ी बीमारियों में खासतौर पे ये जो गायने प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें हमारे देश में ज़्यादातर ओपन सर्जरी ही होती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ओपन सर्जरी की सिर्फ एक ही इंडिकेशन रह गई आज के दिन में मेरे हिसाब से, बच्चा बाहर निकालने के लिए सिजेरियन के लिए अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई. उसके अलावा ओपन सर्जरी इज़ एब्सोल्युटली ऑब्सोलीट. इंडियन मेडिकल स्टैंडर्ड को अगर हम बाहर से यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो वेयर डू वी लैग बिहाइंड, वेयर आर वी राइट नाउ? इंडियन मेडिकल स्टैंडर्ड एक बहुत ही अजीब सा वर्ड है बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ इंडियाज इन इंडिया. अगर आप साउथ इंडिया में चले जाएँ तो मेडिकली बहुत एडवांस है और नॉर्थ इंडिया में आ जाएँ तो बहुत ही पिछड़ा है. साउथ इंडिया में 80% ऑफ सर्जरीज आर डन बाई लैप्रोस्कोपी, नॉर्थ इंडिया में 80% ऑफ सर्जरीज आर डन बाई ओपन सर्जरी. डॉक्टर बहुत प्यारी बात कही आपने कि एक मरीज़ के लिए एक सेल्फ कंसर्न डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है. आपसे जानना चाहूँगी, यू आर अ डॉक्टर एज वेल एज एन एंटरप्रेन्योर, ऐसे में क्या कभी आपने अपने पेशेंट को किसी और को रेफ़र किया कि बेटर सर्विस के लिए मुझे किसी और के पास इसे भेजना चाहिए? बहुत बार ऐसा लगा है और स्पेशली जब मैं सीख रही थी, जब मैं शुरू में आई थी आज से 10 साल पहले लैप्रोस्कोपिक ट्रेनिंग करके, मैंने फेलोशिप किया है डॉक्टर हाफिज़ुर रहमान के अंडर इन साउथ इंडिया. बहुत बार स्पेशली कैंसर केसेस में, शुरू में मेरा कैंसर में हाथ बिल्कुल सही नहीं था तो ऑब्वियसली वो लर्निंग कर्व के टाइम पे आई यूज़ टू कॉल डॉक्टर हाफिज़ कि सर आप प्लीज़ आ जाइए, क्योंकि अगर मैं नहीं कर पाई या मैं मरीज़ को अपना बेस्ट नहीं दे पाई तो मैं किसी और को रेफ़र करूँ और उस प्रोसेस में देख के उनके सुपरविजन में करके सीखूँ. डॉक्टर आप मानती हैं कि कई बार हॉस्पिटल्स मार्केटिंग स्टंट्स के शिकार हो जाते हैं, उन्हें कहा जाता है कि आप यही ब्रांड यूज़ कीजिए, इसी कंपनी से इक्विपमेंट्स आएंगे, ऐसे में आपके यहाँ क्या सिनेरियो है? इसकी पुलफ्रिज निकालने के लिए अगेन वी क्रिएटेड अनदर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम. वी हैव समथिंग कॉल्ड द HMS हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम जो कि हमारे सारे हॉस्पिटल्स को लिंक करता है. अब हमारे पास सारा सेंट्रल परचेज है, कोई भी हॉस्पिटल अपने आप परचेज कर ही नहीं सकता. 29 purchase people are sitting in Kochi, which is the central hub, and in Bombay, जो आपकी central pharmacy purchase करते हैं, जो आपके central instruments purchase करते हैं, तो कोई भी कुछ use कर ही नहीं सकता. उनको जो दिया है जो मरीज़ के लिए सही है वो सारे ट्रायल्स और ये purchase department अलग है, तो कोई भी doctor अपने फ़ायदे के लिए कुछ कर सकता ही नहीं, वो हमने rights ही निकाल दिए. I want to know one thing, you're a doctor plus entrepreneur. What's most challenging thing for you? I think the most difficult is balancing time with the family, with being a surgeon or administrative skills. ये सारी चीज़ें, दिन किधर शुरू होता है किधर ख़त्म होता है हमें पता ही नहीं होता. आप कितनी sensitive और emotional हैं अपने patients के प्रति? Very much. I am, मैं इस profession में सिर्फ अपने passion की वजह से आई हूँ because I really care for my patients. In fact, every patient, I sit and counsel them for half an hour कि आपकी सर्जरी ऐसी होगी, आप ऐसे करेंगे, ये सर्जरी के बाद होगा. I do my post op round myself, I have 4 juniors, but फिर भी मैं हर एक पेशेंट को खुद देखती हूँ, पहले भी बाद में भी, सर्जरी भी खुद करती हूँ, बिकॉज आई फील कि दिस इज़ दी अल्टीमेट ट्रस्ट. अगर कोई पेशेंट जनरल एनेस्थीजिया में मुझे ट्रस्ट करके अपनी लाइफ देता है तो उससे ज़्यादा वो मुझे कभी ट्रस्ट कर ही नहीं सकता, कोई किसी और को ट्रस्ट नहीं कर सकता. आई कैन नॉट लेट दैट पर्सन डाउन, सो फॉर मी माई पेशेंट्स आर अ प्रायोरिटी. डॉक्टर निकिता से हमारी बातचीत जारी रहेगी, हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा. ब्रेक के बाद हम सनराइज हॉस्पिटल का दौरा करेंगे, डॉक्टर निकिता हमारे साथ होंगी, देखते रहिए रूबरू. वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रूबरू और हमेशा की तरह इस बार भी हमारे साथ एक खास शख्सियत हैं और इस बार जो एंटरप्रेन्योर हमारे साथ जुड़ी हैं वो एक महिला है, डॉक्टर निकिता रेहान. हमने ब्रेक से पहले उनसे उनके प्रोफेशन के बारे में जाना था और आइए चलते हैं, देखते हैं कि सनराइज हॉस्पिटल में किस तरह से उनका दिन बीतता है. आइए, so we are on round now. Yeah, we are on a post-operative round. This is the first patient.
This patient underwent a laparoscopic, adenomyomectomy yesterday. Her uterine size was very big. Iska uterus ka size bahut bada tha. और जिसकी वजह से इनको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी. इनके चार बच्चे हैं लेकिन इनको बच्चेदानी निकालनी नहीं थी क्योंकि आप एज यू कैन सी ये बहुत यंग है. तो अफगानिस्तान से स्पेशली इस सर्जरी के लिए यहाँ आए. इनकी कल सर्जरी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है और ये आज वापस इंडिया में अपने घर जा रहे हैं और कल ये वापस अफगानिस्तान जा रहे हैं. तो आप देख सकते हैं कि लैप्रोस्कोपी के बाद सेम डे अगले दिन मैक्सिमम पेशेंट घर चला जाता है. और लाइक शी इज़ गोइंग टू अफगानिस्तान. कितने घंटे की फ़्लाइट है अफगानिस्तान की? दो घंटे का फ़्लाइट है. देर इज़ नो प्रॉब्लम. बट अगर कोई US भी जाना चाहे तो हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं होती. जी मैम, आजकल मतलब फॉरेन से काफ़ी लोग इंडिया आते हैं ट्रीटमेंट के लिए. क्या लगता है आपको, क्या हम वो बेस्ट सर्विस उनको दे पा रहे हैं? हाउ सेटिस्फाइड यू फाइंड? आप इनसे पूछिए वो बात. आई थिंक वो बेटर आंसर कर सकेंगे. जी, इनके इंटरप्रेटर हमारे साथ हैं डॉक्टर लैला. आप बताइए कैसा रहा विजिट और कैसा महसूस कर रही हैं अभी? बहुत अच्छे, नॉर्मल है, ठीक है जी. और फैमिली में सब लोग खुश हैं? सब लोग खुश हो. कल इसका फ्लाइट है. वेरी हैप्पी और वेरी खुश हूँ डॉक्टर का. वेरी थैंक्स. तो ये डॉक्टर निकिता, यही जो पैशन है इनका वो बस यही है कि ये मुस्कान ये पा सकें अपने पेशेंट्स और उनके परिवार को, जब हर मरीज़ अपनी तकलीफ़ से दूर होता है. ये हमारे कल का पेशेंट है जो कि कल शाम को 4:58 PM पे पैदा हुई है. एक्चुअली ये पेशेंट जो है ये फुल टर्म प्रेगनेंट थी और इनका बेबी जो था हेड नीचे नहीं था, उल्टा हो गया बच्चा और गले में कॉर्ड लूप एकदम टाइट हो गई. इसने हमें ये बेबी को रिससिटेट करने में भी 3 मिनट्स लगे. बट सनराइज में 24 आवर एनेस्थीजिया सर्विस है और पीडियाट्रिशियन वगैरह सब उन्होंने अच्छे से इसे रिससिटेट कर लिया. इसलिए वी हैव अ न्यू रॉक स्टार. से हेलो. एज यू कैन सी द बेबी इज़ एब्सोल्युटली फाइन. And the baby's family is absolutely delighted. This is what we work for. ये हमारे special labor delivery suites है. इन labor delivery suites को British standards के according design किया गया है, जहाँ पे family को बैठने के लिए, specially husband को बैठने के लिए एक जगह दी जाती है. और ये labor delivery suite इस प्रकार का है कि जहाँ पे मरीज यहीं आए, यहीं डिलीवर करें और यहीं से जाएं. कोई कोई मरीज़ होते हैं जो थोड़ा देर और रहना चाहते हैं तो उनको हम एक दिन के लिए बाहर शिफ्ट करते हैं. वरना ये बेड जो है, ये बेड टोटली कन्वर्ट हो जाता है इनटू लेबर डिलीवरी बेड. और ये जो आपको दिख रहा है, ये सारे इक्विपमेंट्स जो भी आपको चाहिए होंगे एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए, जी सारा कुछ यहीं स्टॉक रहता है, इंक्लूडिंग द लाइट्स. जैसे वो आपको पीछे लाइट दिखेगी, वो यहाँ पे सारा कुछ स्टिच किया जा सकता है. और ये सारे इंजेक्शन वगैरह सब कुछ हम यहीं रखते हैं ताकि ये प्रॉपर फुली इक्विप्ड नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये जगह है. और किसी भी तरह की कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आए तो कॉम्प्लिकेशंस हुए यहाँ पे हैंडल हो सकती हैं. अगर नहीं, अगर कोई ब्लीडिंग ज़्यादा है या सिजेरियन के लिए शिफ्ट करना है तो हमारे रिकॉर्ड टाइम में हम बहुत ऑफन ड्रिल्स करते हैं. विद इन 3 मिनट्स द मदर विल बी इन दी ओटी. सो इतना फास्ट कहीं पे भी नहीं होता. 3 मिनट में वी आर रेडी फॉर अ सिजेरियन इफ रिक्वायर्ड गोइंग अप. यहाँ पे स्पेशल मॉनिटर्स हैं हर एक बेड में, हर एक जगह, हर मरीज के लिए स्पेशल मॉनिटर्स होते हैं. ये मॉनिटर जो है ये बेबी मॉनिटर है, इंक्लूडिंग ट्विंस. इसमें बेबी की हार्ट बीट ये वो सब प्रॉपरली रिकॉर्ड होता है. और हम लोग, जैसे मैंने आपको कहा, इक्विपमेंट पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते. यू कैन सी दैट वहाँ पे बेबी रिसीविंग है, वार्मर है, सब है. और इसी के पास में एक नर्सरी है, दोनों लेबर डिलीवरी सुइट्स के साथ नर्सरी है जो कि फुली इक्विप्ड विथ SLE 5000 वेंटिलेटर्स फ्रॉम विप्रो जी और बाकी सब. मतलब आप जो इक्विपमेंट में सोच सकते हैं वो सब नर्सरी में इक्विप्ड है और फुली इक्विप्ड स्टाफ भी है. आइए मैं आपको नर्सरी दिखाती हूँ. ये हमारा नर्सरी है, ये हमारा फर्स्ट नर्सरी है जहाँ पे सिर्फ मदर फीड करती हैं. मदर्स को अलाउड नहीं होता इसके बियॉन्ड. ये फीडिंग एरिया है. इसके बियॉन्ड, इसके बियॉन्ड जो है ये है हमारा मेन नर्सरी.
जहाँ पे फोटोथेरेपी, सारे इक्विपमेंट, सारे वेंटिलेटर सब कुछ है. ये फोटोथेरेपी है, अगर बच्चे को कभी जॉन्डिस हो जाए तो उसके लिए फोटोथेरेपी. ये आप देखें, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं होता, लेकिन हमारी स्टैंडर्ड, अगर सनराइज का नाम लगा है तो वो स्टैंडर्ड केयर है. लालाबाई वार्मर्स है, वेंटिलेटर्स है, सब कुछ है. जैसे आपको दिख रहा है फिलिप्स के वेंटिलेटर्स है, SLE 5000 इन्फेंट वेंटिलेटर है. सो वी आर वेरी पैशनेट अबाउट आवर इक्विपमेंट. And I could also see that being a woman, you have really given a special care to it. There's a personal touch to it. क्योंकि डॉक्टर खुद एक महिला है तो वो बेहतर समझती हैं कि हर एक औरत का बच्चा उसकी कमजोरी होता है. बिल्कुल. And this is our special nursery staff, Simon and Soumya. They are very, very, very good at baby care and to look after newborns. So I'm really proud of my team because they really, really, really look after babies with TLC. क्या प्लान रहता है आपका, कैसे पूरे डे को प्लान करती हैं? सुबह सर्जरीज होती हैं 8 बजे से लेके, एंड यूजली आई फिनिश माय सर्जरीज बाय 2 o'clock. इन बिटवीन अगर कोई पेशेंट हो तो ऐसे स्क्रब्स में ही हम जाके मरीज देख लेते हैं. उसके बाद में 2 बजे के बाद में 5 बजे तक यूजली पेशेंट अपॉइंटमेंट्स रहती हैं, एडमिन वर्क रहता है, और 5-6 बजे तक, देन 6 o'clock आई कॉल इट अ डे बिकॉज देन इट्स फैमिली टाइम. तो 6 o'clock तक, फ्रॉम 8 o'clock टू 6 o'clock आई माई यूजुअल वर्किंग आवर्स. एंड कभी कभी लेबरिंग पेशेंट्स होते हैं, सिजेरियंस होते हैं, बाकी पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि बच्चे अपना टाइम खुद डिसाइड करते हैं. उन्हीं पेशेंट में हम फंसते हैं, इसीलिए मेरे पास 3-4 और असिस्टेंट्स हैं. लेकिन कोई कोई होते हैं जो हाई रिस्क हैं, स्पेशली जो मेरे साथ कंसीव किया है, इनफर्टिलिटी इज़ माई फोर्टे. तो इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स जो होते हैं, जो सालों से कंसीव नहीं कर रहे या जिनके मिसकैरेजेस हुए हुए हैं, मेरे पास 19 मिसकैरेज के बाद भी एक लेडी आई हुई है, उनको हेल्दी बेबी, उनके जो इतने प्रेशियस बेबीज हैं वो मैं खुद डिलीवर करती हूँ. तो बहुत ही हेक्टिक डे रहता है इनका, और हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद हम सीधे मुलाकात करेंगे इनके परिवार के साथ और जानेंगे कि अगर परिवार से हम सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ पाते हैं, इंस्पिरेशन पाते हैं, तो वो कैसे. बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए रूबरू. हमारे आज की खास मेहमान डॉक्टर निकिता त्रेहान हमारे साथ बनी हुई हैं. वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम रूबरू में. एक ऐसा शो जिसमें हम आपको मिलवाते हैं ऐसी ही शख्सियतों से जो आपको प्रेरणा दे सकें जीवन में आगे बढ़ने के लिए. और आज की हमारे जो खास मेहमान हैं वो हैं निकिता त्रेहान. डॉक्टरी पेशी के अलावा एक सक्सेसफुल गृहिणी भी, और उनके घर पर बैठे हैं हम. आइए पूरे परिवार के साथ मुलाकात करते हैं. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे शो में. अनु मैम, सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूँगी कि एक सास और फिर उसके बाद बहू, वो जो टाइम था जब निकिता आपके घर आई, हाउ थिंग्स मटेरियलाइज्ड, कैसे आपने अपनी बहू को चुना? इधर एक शाज के भाई की शादी थी, शादी के लिए आई थी दिल्ली. उस टाइम उसे बॉम्बे में MD सीट उसकी मिल गई थी उसको, और शादी के लिए दिल्ली आई तो मेरे बेटे से मिली, एंड शी डिसाइडेड शी वांटेड टू मैरी हिम. उनके ससुर अरविंद जी हमारे साथ हैं. अरविंद जी, जो मैं देख पा रही हूँ या समझा मैंने, आप आर्मी में थे, फिर आपके जो बेटे हैं ही इज़ इन टू रियल स्टेट, और फिर बहू डॉक्टर. इतने सारे प्रोफेशंस एक ही घर में हैं, क्या केमिस्ट्री रहती है आप लोगों की? हाउ यू डिस्कस योर प्रोफेशंस? एक वंडरफुल मेरी डॉक्टर है, बहुत ही केयरिंग पर्सन, बहुत ही आई मीन अ वेरी गुड मदर, and a very professional doctor who always seeks for excellence. वो चाहती है कि हर एक चीज़ मैं बहुत अच्छी तरह करूँ, बहुत कामयाबी से करूँ, और बहुत dedicated है in life. So that is the best part of it. I could complete, मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन, फेलोशिप सब कुछ कर पाई जी सिर्फ अपनी मदर इन लॉ की वजह से. फैमिली सपोर्ट है, माई पेरेंट्स आर ऑल्सो देयर, एवरीबडी इज़ देयर, माई हस्बैंड इज़ ऑल्सो देयर. जब भी प्रोफेशनल बहुएं जब आती हैं घर में तो फैमिली से मान के चलती है दैट शी वोंट गिविंग अस मच टाइम. डिड यू मिस सम टाइम के? नो, इनिशियली वी स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, लॉट ऑफ टाइम. आई थिंक फर्स्ट 1 year 2 years, एंड आई थिंक दैट इज़ द टाइम जब बॉन्डिंग एक्चुअली हुई है इनिशियली. बहुत इसने भी प्यार दिए, वो बच्चा प्यार देगा तो नेचुरली हुआ. Gaurav was born after 2 years, and by then, you know, she was like a daughter. I never used to like to introduce her as a daughter-in-law. Husband abhi yahan pe nahi hai, he's a busy person.
तो वो क्वालिटी टाइम में आप लोग अपने काम को कितना डिस्कस करते हैं? बेसिकली आई एम अ वर्कहोलिक एंड जो आप पूरा दिन करते हो लाइक यू सीन दैट आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई वर्क. सो वो बात यू नो यू वॉन्ट टू लर्न सम टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ सजेशंस लेने हैं, तो मॉम इज़ बीन लाइक आई सेड एन इंस्पिरेशन टू मी. आई एम वन ऑफ द वेरी फ्यू ब्लेस्ड पीपल जिनको चार पेरेंट्स का सपोर्ट है. मेरे पेरेंट्स और मेरे लाइक आई डोंट कॉल देम इन लॉज और एनीथिंग, आई कॉल देम बॉम्बे पेरेंट्स एंड दिल्ली पेरेंट्स. सो माय बॉम्बे पेरेंट्स सपोर्ट मी इन माय बॉम्बे वेंचर्स एंड माय दिल्ली पेरेंट्स सपोर्ट मी इन माय दिल्ली वेंचर्स. नाउ गौरव, यू वांट टू से समथिंग? मामा वाज सेइंग एंड यू वर जस्ट अबाउट टू से समथिंग, टेल मी. बेसाइड्स द वर्क शी टेक्स टाइम आउट फॉर मी. लाइक शी टेक्स मी टू एडवेंचर पार्क्स. शी इज अ वेरी स्पोर्टी पर्सन टू. आ tell yeah. me, tell me something about mama jo hame nahi malum. After work also she tells me at night. I tell her my secrets, she tells her to me. Okay, so there's a mama and son friendship there, huh? Yeah. Sharing secrets. And what about papa? Dad, he is very busy. He comes back and he's at meetings most of the time. He encourages me to study and to play. I'm a certified skydiver, scuba diver, all those things. Iska shauk kaise aapko hua? During your college days? Hamesha se I've been very adventurous and skydiving was something which is fantastic. Where I've jumped 11,000 feet from the sky. Scuba diving, I'm a certified paddy driver to a level 4. So, matlab, all these things are in your, I feel, you feel alive. और एक और चीज़ अनु मैम बता रही थी कि एक और इनके अंदर छुपी हुई प्रतिभा है. सिंग्स वेरी वेल. तो कौन है आपकी फेवरेट सिंगर अभी के टाइम में? आई लव मोहित चौहान. आई लव हिज वॉइस. आई थिंक ही इज़ गॉट अ ब्रिलियंट वॉइस. आई एम वेरी एक्साइटेड और मुझे लगता है यहाँ सारे लोग बस वेट कर रहे हैं कि आप कुछ गुनगुनाते. यूं ही पहलों पो में बैठे रहो आ जाने की जिद ना करो आ जाने की जिद ना करो हाय मर जाएंगे. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल नाइस. सुरीले नोट पर ही आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि और फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स हैं, क्या चीज़ें आप एक्सप्लोर करना चाहती हैं? आपने कहा कि मैंने लगभग सब कुछ किया है. मेरा एक ही ड्रीम है स्टैंडर्डाइज हेल्थ केयर. जो ये 80-20 रेशो है ना कि 80% ओपन सर्जरी 20% लैप्रोस्कोपी, आई वॉन्ट कि हम वो चेंज करें और इट शुड बी एटलीस्ट उल्टा उसका कि 80% लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज और 20% ओपन सर्जरी. तो वी वॉन्ट कि हम जितना कंट्रोल कर सकें. अभी हमारे 3000 बेड्स हैं, नेक्स्ट टू ईयर्स में इट विल बी 5000 बेड्स. बट ये सारे बेड स्ट्रेंथ जो है हमारी, दैट इज़ टू गिव क्वालिटी केयर. वो कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए एंड दैट आई ओनली विश टू गॉड कि ही गिव्स अस दैट स्ट्रेंथ टू डू इट. ओके गौरव, आप मम्मी का प्रोफेशन परस्यू करना चाहेंगी या पापा का? किसी का भी नहीं, आई एम हैप्पी विद बोथ. क्या बनना चाहेंगे आप ये बताइए? आई विल बिकम अ डॉक्टर. सो आई थिंक मम्मा हैज इंस्पायर्ड यू अ लॉट. या हां, मोस्ट ऑफ द टाइम. खेलते हो आप मम्मी के साथ? या. और जीतता कौन है? अभी के जनरेशन को एक डिफरेंट पेरेंटिंग चाहिए. यू वांट टू से समथिंग अबाउट दैट? जब आप अच्छा वैल्यू सिस्टम, अच्छे संस्कार देंगे अपने बच्चे को और उसको बताएंगे राइट और रॉन्ग क्या होता है, तो बच्चा फिर रॉन्ग क्यों चूज करेगा? इतनी तो मतलब क्षमता अपने बच्चे पे और इतना विश्वास अपने बच्चे पे हमें भी रखना चाहिए. मैम, लास्ट में हमें यही बताइए कि आपकी तरह जो महिलाएं हैं जो पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, प्रोफेशनल बन रही हैं और ख़ास तौर पे एक एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देखती हैं, व्हाट यू वांट टू टेल देम और क्या संदेश है आपका? जो चीज़ आप इंजॉय करते हो, जो चीज़ आपको खुशी देती है अंदर से और जो आपको लगता है कि इसमें मैं थक रही नहीं हूँ, आई एंजॉय डूइंग दिस, दिस इज़ द रीज़न आई गेट अप इन द मॉर्निंग, डू दैट. कोई भी गलत प्रोफेशन में आप जाओगे किसी और को खुश करने के लिए, तो ना तो आप उसको खुश कर सकोगे ना अपने आप को. तो पहले अपने आप को खुश करो. नाइस, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर ये बातें करके और हमेशा ये अच्छे पलों की तरह हमारे जहन में ताज़ा रहेंगी और हम यही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये खुशी, ये जो कोऑर्डिनेशन है आप लोगों के बीच में, ये जो वार्मथ है वो हमेशा बना रहे. और इसी दुआ के साथ हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया.
ये थी डॉक्टर निकिता त्रेहान, जिन्होंने अपने प्रोफेशन को और पर्सनल लाइफ को इतनी बेहतरीन ढंग से बैलेंस किया है कि आज हर महिला ये सोच रही होगी कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। ज़रूरत है थोड़े से साथ की और हाँ, बड़ों के आशीर्वाद की। इसी सोच के साथ हम आज आपसे विदा ले रहे हैं। अगली बार किसी ऐसी ही शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए रूबरू।